हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए लिख आया हूँ हॉट शॉर्ट्स मूवी के फैक्टो रिव्यू होट शॉर्ट्स एक एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा सन उन्नीस की एक अमेरी कॉमेडी फिल्म है जो अब्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की प्रोडी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू विक्स विकेंस वीक, वी, द दाफ फेबूसलस बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतो ने अभिनेत्री चार्लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन ए, क्रायर कैविंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुर्सन और एरी केसरियस ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ इक्यासी पॉइंट वन मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई जिसने तीन गिल कलिनो और ब्रिजिंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था कथरनाक फिल्म की शुरुआत 20 साल पहले फिल्म फ्लिमनर एयरबेस में होती है लेलेंड -ले बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेल -मेन, फन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेल मैलमेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टॉपर हार ले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्प्रप को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर ले लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान वर्द में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बैनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर कोड़ने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू स्कैट ग्रेगरी मेल मेल मैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हार्ले हार्लो हरले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह नौसेना के विमान थे जो विसन की ओर विफलता का का असली कारण थे उन्हें विफ विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीट डेड मेट और जिम वॉन्स पैफे, पैफे बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मिट से मौत हो गई और वॉस आउट को राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब और ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके हैं ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी दौर विल्सन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टो पर को जब हार्लो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनिक अटैक आया और यह वह नेतृत्व करने में असमर्थ रहा जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बस और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बस ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा पल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है इराकी सेना को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और, और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक मह, एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेलमेन को डेट मेट को सलामी देते हुए मेलमेन मेल को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढालना में एल, एल्टी सीन टोपर हालवे के, के रूप में चालीस सीन ने किदा निभाया एलटी के समू डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वेलिया गोलिनो ने किदा निभाया आर डी एम थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स ब्रिजिस किरदा निभाया एल एल सी डी ऑस जॉम्स प्रत्याशी बॉल के रूप में डन ने किदा निभाया एल टी जिम वॉस आउट पैफे पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदार निभाया एल टी जे जी डेट पीट थॉमसन थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किदार निभाया एल टी जे एल टी जे जी जेनेट बायो गयो, गयो, कोवालस्की के रूप में क्रिस्टिस क्रिस्टी Isna, ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सी विल्सन के, के रूप में नजर आए और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के नजर किदान निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉमसन के, के रूप में हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के, के रूप में रिने था ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल्क कोटार्ज को ने कोजार्ट ने किरदार निभाया बिल लाइब एल लाइमब्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सद्दाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जोन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशिनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर और एवर में सेम मेड्री और सेंट

परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सौ की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनिट को गेनिट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित डब्ल्यू फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और संदर्भ में देखा गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेल्व एट पूर्व नाम कराद किया गया था और सैरोन डेनियल वीकेंड ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मेजिंदर एक सीमा सी, सीजन बॉक्स गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा निर्देशित सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस, जॉन क्रोयर के केविन डन, क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की परौड़ी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हफ हाँ एंड टू वी द फेबूसलस बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार्लीशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन क्रोय ए, क्रायर केविंटन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरिक के ने संगीत यह सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई है जिसने तीन गलिनो और ब्रिजेंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फ्लेमनर एयरबेस में होती है लेलेंस -ले बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिससे जिस उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन फनहैम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेल मेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर हारले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्प्रभ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन इस स्लीपी विजल जिसकी कमान वर्द में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर कोड़ने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू पायलट स्कैट ग्रेगरी मेल मेल मैन के बेटे और अमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हार्ले आ, हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर के टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून स्रीविल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह नौ सेना के विमान थे जो विसन की ओर की विफलता का, का कारण थे उन्हें विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशनों में से एक के दौरान पीट डेड मेट थॉम्सन और जिम वोन्स आउट पैफे पैफे बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मेट से मौत हो गई और वोन्स वॉश आउट को रा, राइडर ऑपरेशन से प्रदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लडाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को रमांडा के प्रति एक मजबूत भावनात्मक लगाव विकसित होता है लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीत से परेशान होती है और वह बेनिस से मिशन इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब ब्लो, और ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टॉपर को नियुक्त किया चुके है। ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी था और विलसन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टॉपर को जब हारलो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनी अटैक आया और यह ने वह नेतृत्व करने में असमर्थ मत रहा जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आह्वान करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते हैं और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन असफल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है। इराकी सेनानियों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और और बंदरगाह पर वापस आकर गैररी एक महा एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और अमांडा को टोपर्स के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेलमेन को डेट मीट को सलामी देते हुए मेल मेलमेन को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढागा में एल

पैफेफेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदा निभाया एल टी जे जी डेट पीट डेड मीट थॉपसन के रूप में विलियम्स और लेरी ने कितना निभाया एल टी जे एल टी जे जी जेनेट बायो को वालसकी के रूप में क्रिस्टिस स्नावन स्नासन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सी विल्सन के रूप में नजर और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन ने कितना किरदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉम्पसन के रूप में हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने थर ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर डॉन लेक के रोई के रूप में नजर ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल कोटार्ज ने कोजार्ट ने किदा निभाया बिल लाइब एल लाइमब्रीन में अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जोन पोल द्वितीय के रूप में चीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशेनर के रूप में मार्क आर्नेड ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफी पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर और एवर मेंड्री और सैन डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार्यकर्ता में देखा गया फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर एक पर शुरुआत की और दुनिया भर में एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर तक की कमाई की है ट्वेंटी एट समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई साइट की आम सहिति की लिखा गया कि की हॉट सॉट्स अपने अधिकांश पैरोडे के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से ए एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सौ उन्नीस सौ इक्यानवे की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित ऑस्कर डब्ल्यू फाइव एट नाइन फोर फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और में देखा गया है कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन देखना टू टू कर किया गया था और वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो जनवरी दो हजार ग्यारह को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मेजिंदर एक सीमा सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को दो को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा सन उन्नीस सौ इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अब्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की प्रोडी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू विक्स विक वी, द दाफ फेबूसलस बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वेल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल तो ने अभिनेत्री चार्लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन ए, क्रायर कैविंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरी केसरियस ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ इक्यानवे को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ इक्यासी पॉइंट वन मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसॉट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई जिसने तीन गिली गलिनो और ब्रिजिंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था कथरनाक फिल्म की शुरुआत 20 साल पहले फिलिम। एयरबेस में होती है खो देता है विमान से बाहर निकल जाता है जिस, जिस उसका सह पायलट डेमिनी की मैलमेन फनहेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेन मैलमेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर हार्ले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्प्रप को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर ले लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर कोडने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टोपर एक अन्य लड़ाकू पायलट कैट ग्रेगरी मेल मेल मैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हार्ले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह सिलिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह नौसेना के विमान थे जो विसन की ओर विफलता का का असली कारण थे उन्हें विफ विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीठ डेड मेट थॉम्पसन और जिम वॉन्स पैफे पैफेबैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मेट से मौत हो गई और वॉस आउट को राइडर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब और ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके हैं ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी और विल्सन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टो पर को जब हारलो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनिक अटैक आया और यह ने वह नेतृत्व करने में ऐसा मत है जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते हैं और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा पल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है इराकी सेना यों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और, और बंदरगाह पर वापस आकर गैरगरी एक महा एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती और अमांडा को टोपर्स के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेलमेन को डेट मेड को सलामी देते हुए मेलमेन मेल को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है में, एल, में, चार्ली सीन ने एलटी निभाया के, के समझो डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वलिया गोलिनो ने किद्दा निभाया आर डी एम थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स ब्रिजिस ब्रिजेस निभाया एल एल सी डी ऑस जॉम्स प्रत्याशी के रूप में केविन डन ने किरदार निभाया एल टी जिम वोस आउटे पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किरदार निभाया एल टी पीट जी डेट पीट डेडमीट थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किरदार निभाया एल टी जेल एल टी जे जी जेनेट बायो को वालसकी के रूप में क्रिस्टिस इस नावन इस नाउसन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सी विल्सन के रूप में नजर आए और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के नजर किदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉम्सन के रूप में हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिनी थंडा ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वैम के रूप में नजर आए डॉन लेक के रॉय के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल कोटार्ज को ने कोजार्ट ने किरदार निभाया बिल लाइव एल लाइमब्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जॉन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशेनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर और एवर में सेम मेड्री और सेंट डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्म आई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार में देखा गया फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर तक की कमाई की समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटो में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई साइट के आम सहिति के लिखा गया अटकी होट्स अपने अधिकांश पैरोडी के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से, से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सौ उन्नीस सौ इक्यानवे की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलेंड गेनिट को गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित डब्ल्यू फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और संदर्भ में देखा गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेल्व एट पूर्व नाम किया गया था और सैरोन डेनियल वीकेंड ऑफिस पर टर्मिनेटर टर्मिने टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के अंदर एक सीमा सीन सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा निर्देशित सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन, क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की परौड़ी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू वी वीकें दफ द फेबूसल बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन क्रोए क्रायर कैंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरिक केसरियस ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ इक्यानवे को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई है जिसने तीन गिली गलिनो और ब्रिजेंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फिल्म फ्लिमनर एयरबेस में होती है लेलेंड बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेन मेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर हार ले उस घटना के बारे में आए एक दो दूर। दुष्पर्भ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन इस स्लीपी विजल जिसकी कमान वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टोपर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लडाकू पायलट स्कैट ग्रेगरी मेल मेलमैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हारले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह नो सेना के विमान थे जो विसन की और विफ, की विफलता का का असली कारण थे उन्हें वि, विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशनों में से एक के दौरान पीठ डेड मेट हॉम्सन और जिम वॉन्स आउट पैफे पैफेबैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मिट से मौत हो गई और वॉन्स वॉन्स आउट को रा, राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक होता है। लेकिन ग्रेगरी के साथ अपने अतीश से परेशान होती और वहस पर बेनिस से मिशन का इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब और ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टॉपर को नियुक्त किया जो है ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी था और विल्सन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टो तो पर को जब हारलो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनी अटैक आया और यह ने वह नेतृत्व करने में असमर्थ रहे जब लड़कों ने स्क्वाइडर्न पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बस ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा पल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है, इराकी सेनानियों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाद हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक मह, एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर्स के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेल मेन को डेट मीट को सलामी देते हुए मेल मेन को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढालना में एल, एल्टी सीन टोपर हालवे के रूप में चार्ली सीन ने किदा निभाया एल्टी के, के समू डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वेलिया गोलिनो ने किद्दा निभाया आर डी एम थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स ब्रिजिस किदा कि निभाया एल एल सी डी ऑस जॉम्स प्रत्यक्षी बॉलों के रूप में केविटन ने किदा निभाया एल टी जिम वोस आउट पैफे पे, पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदा निभाया एल टी जी डेट पीट डेडमीट थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओलेरी ने किदा निभाया एल टी जे, एल, एल टी जे जी जेनेट बायो कोवालस्की के रूप में क्रिस्टिस इसनाव इस, इस के, के ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सीविलसन के रूप में नजारे और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के नजर किदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉमसन के रूप में हेडी हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने थंडा ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल कोटार्ज को ने कोजार्ड लाए, ने किरदार निभाया बिल लाइब एल लाइमब्रीन में अपनी तरह नजर आए और सबनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जॉन पोल द्वितीय के रूप में चीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य तो फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर्ड और एवर में सैम मेड्री और सेंट डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्म आई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार में देखा गया फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर पर शुरुआत की और दुनिया भर में एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर तक की कमाई की ट्वेंटी एट समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त साइट के आम सहित लिखा गया कि हॉट सॉट्स अपने अधिकांश पैरोडी के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से, से ए पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सो सो में की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनेट को, गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित ओस्कर डब्ल्यू फाइव एट नाइन फोर फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और संदर्भ में देखा गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना टू थाउजेंड टू 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 एट को मुनाफ कर किया गया था और सैरोन डेनियल वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मेजिंदर एक सीमा सीन सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा निर्देशित सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के, केविन डन क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की प्रोडी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू वी द फेबूसल बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन क्रोए क्रायर कैंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरिक ने संगीत सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ इक्यानवे को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ की रिलीज हुई है जिसने तीन गलिनो और ब्रिजेंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत 20 साल पहले फिल्म फ्लिमनर एयरबेस में होती है लेलेंड ले बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन फनहैम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेन मेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर तो हार उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्पर्भ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सिक्रियर ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन इस स्लिपी विजल जिसकी कमान वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर कोड़ने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू पायलट कैट ग्रेगरी मेल मेल मेन के बेटे और अमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हार्ले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून श्रीविल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लीपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब नौ सेना के विमान थे जो विसन की ओर विफ, की विफलता का का असली कारण थे उन्हें वि, विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीट डेड मेट थॉम्सन और जिम वॉन्स आउट पैफे पैफे बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मेट से मौत हो गई और वॉन्स वॉस आउट को रा, राइडर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नहीं लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को रमांडा के प्रति एक मजबूत भावनात्मक लगाव विकसित होता है लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीत से परेशान होती और वह एसेस एसेस पर बेनिस से मिशन का इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके है। ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी था। और विल्सन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टोपर को जब हारलों पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनिट अटैक आया और यह ने वह नेतृत्व करने में असमर्थ मत रहा जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आह्वान करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा फल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही यह इराकी सेनानियों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक महा एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर्स के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेन को डेट मीट को सलामी देते हुए मेल मेन को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढाला में एल

पेफेफेन पे, पे, बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदा निभाया एल टी जे जी डेट पीट डेडमीट थॉम्सन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किदा निभाया एल टी जे एल एल टी जे जी जेनेट बायो ओ, को वालसकी के रूप में क्रिस्टिस इस्नावन इसनासन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सी विलसन के रूप में निधार और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन ने कितना किधा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉम्पसन के रूप में हेडी इस हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिनेथ थंडा ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वैम के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल्क कोटार्जनिकोजार्ट ने कोजार्ट ने किदा निभाया बिल लाइफ एंड लाइमब्रीन में अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जोन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशनर के, के रूप में मार्क आर्नेड ने किरदान निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर्ड और एवर मेंड्री और सैन डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार्यकर्ता में देखा गया फिल्म में राज्य अमेरिका में नंबर एक पर शुरुआत की और दुनिया भर में एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर तक की कमाई गई ट्वेंटी एट समीक्षा के आधार पर रोटेन टमाटोज में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई साइट के आम सहिति के लिखा गया अटकी हॉट सॉट्स अपने अधिकांश पैरोडी के लक्ष्यों को आत्म आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सौ उन्नीस सौ इयानवे की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनेट को, गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित ऑस्कर डब्ल्यू फाइव एट नाइन फोर फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और में देखा गया है कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर तो देखना टू थाउजेंडी टू 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 एट किया गया था और वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो जनवरी दो हजार ग्यारह को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मैजिंदर एक सीमाशी सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस ने जनवरी को दो को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम सहनिदेशक उन्नीस सौ इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिर मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की प्रोडी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू विक द फेबूसलस बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस, रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार्लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन ए, क्रायर कैविंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुर्सन और एरी के ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ इक्यानवे को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 26 मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ इक्यासी पॉइंट वन मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई जिसने तीन गिल गलिनो और ब्रिजिंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था कथरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फिल्म फिलेमनर एयरबेस में होती है लेलेंड्स बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेन मैलमेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर हार्ले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्प्रप को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर ले लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर को से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टोपर एक अन्य है लड़ाकू पायलट कैट ग्रेगरी मेल मेलमैन मैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हार्ले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब नौसेना के विमान थे जो विसन की ओर विफलता का का असली कारण थे उन्हें विफ विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीठ डेड मेट सॉम्पसन और जिम वॉन्स आउट पैफे पैफेबैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मेट से मौत हो गई और वॉन्स वॉस आउट को राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बन बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को रमांडा के प्रति एक मजबूत भावनात्मक लगाव विकसित होता है लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीत से परेशान होती है और वह एस एस पर बेनिस से मिशन का इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब वो ब्लॉक के मिशन करने के लिए टॉपर को नियुक्त किया जो ग्रेगरी के विरोध के लिए काफ़ी था और जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक नेटो तो पर को जब हारलो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनिट अटैक आया और यह वह नेतृत्व करने में ऐसा मत रहे जब इराकी लड़कों ने स्क्वाड्रन पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते हैं और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा पल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है इराकी सेना को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और, और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक मह, एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर्स के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेन मेल, मेल, को डेट मेट को सलामी देते हुए मेलमेन मेल को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है में, एल, में, चार्ली सीन ने किदा निभाया एल्टी के, के डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रामांडा थॉमसन के रूप में वेलिया गोलिनो ने किद्दा निभाया आर डी थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स ब्रिजिस किरदा निभाया एल सीडियो जॉम्स प्रत्यक्षी बॉल के रूप में केविन ने किदा निभाया एल टी जिम आउट आउटे पैफे पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदा निभाया एल टी जे जी डेट पीट डेडमीट थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किदार निभाया एल टी जे एल टी जे जी जेनेट बायो तो, कोवालस्की के रूप में क्रिस्टिस क्रिस्टीन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सीविलसन के रूप में नजर आए और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हारले के रूप में बिल इरविन के नजर किदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉमसन के रूप में हेडी स्वेडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने था ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल कोटार्ज को ने कोजार्ड ने किरदा निभाया बिल लाइब एल लाइमब्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सद्दाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जॉन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर्ड और एवर मेंड्री और सैन डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार में देखा गया फिल्म में, में, में रोटेन टमाटो में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त साइट के आम सहिति की लिखा गया कि हॉट सॉट्स अपने अधिकांश पैरोडी के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से, से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनेट गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित डब्ल्यू फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और में गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना 2022 ट्वेंटी टू टू ट्वेल्व एट पूर्व कराद किया गया था और सैरोन डेनियल वीकेंड वर्कस ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर के के एक सीमा सी सीजन बॉक्स गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा निर्देशित सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन, क्रिस्टी स्वानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की परौड़ी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू वी विक वीकें दफ द फेबूसल बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन क्रोए क्रायर कैंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरी केसरियस ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस की रिलीज हुई है जिसने तीन गिली गलिनो और ब्रिजेंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था कथानाक फिल्म की शुरुआत 20 साल पहले फिले फ्लेमनर एयरबेस में होती है लेलेंड ले बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन फन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेल मैल मेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर तो हार्ले उस घटना के बारे में आए एक दो दूर। दुष्प्रभ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन इस िपी विजल जिसकी कमान वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर कोडने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू पायलट कैट ग्रेगरी मेल मेल मेन के बेटे और अमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हार्ले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर की टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब नौ सेना के विमान थे जो विसन की ओर विफलता का का असली कारण थे उन्हें विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीट डेड मिड थॉम्पसन और जिम वॉन्स आउट पेफे पेफे बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मिड से मौत हो गई और वॉन्स वॉस आउट को रा, राइटर ऑपरेशन से पदानुत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को रमांडा के प्रति एक मजबूत भावनात्मक ला लगाव विकसित होता है लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीत से परेशान होती और वह एस 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 पर बेनिस से मिशन का इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब ब्लो, और ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके हैं ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी थौर विल्सन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टोपर को जब हारलों पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनिट अटैक आया और यह ने वह नेतृत्व करने में ऐसा मत रहा जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन असफल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही इराकी सेनानियों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक महा एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर्स के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेन को डेट मीट को सलामी देते हुए मेल मेन को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढालना में एल

पैफेफेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदा निभाया एल टी जे जी डेट पीट डेडमीट थॉम्पसन के रूप में विलियम्स लेरी ने किदा निभाया एल टी जे एल टी जे जी जेनेट बायो को वालसकी के रूप में क्रिस्टी स्नावन इस्नासन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सी विलसन के रूप में निजार और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन ने कितना किदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉमसन के रूप में हेडी इस स्वेडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने था ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वैम के रूप में नजर डॉन लेक के रोई के रूप में नजर ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल्क कोटार्ज ने कोजार्ट ने किदा निभाया बिल लाइब एल लाइमब्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जोन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशनर के, के रूप में मार्क आर्नेड ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफी पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर और एवर मेंड्री और सेंट डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार्यकर्ता में देखा गया फिल्म में राज्य अमेरिका में नंबर एक पर शुरुआत की और दुनिया भर में एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर तक की कमाई की है। ट्वेंटी एट समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई साइट के आम सहिति की लिखा गया कि हॉट सॉट्स अपने अधिकांश पैरोडे के लक्ष्यों को आत्म आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सो सो में की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनेट, गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित ऑस्कर डब्ल्यू फाइव एट नाइन फोर फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और संदर्भ में देखा गया है कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर तो देखना टू को कर किया गया था और वीकेंड ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक के स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल टाइम्स दो जनवरी दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मैजिंदर एक सीमा सी, सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस ने जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम सहनिदेशक उन्नीस सौ इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन क्रिस्टी और बिल इरविन शामिल है फिर मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की प्रोडी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू विक द फेबूसलस बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वेल्स और मैराथन मेंस, रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतो ने अभिनेत्री चार लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन ए, क्रायर कैविंडन बिल इरविन और लोयस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुर्सन और एरी केसरियस ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ इक्यासी पॉइंट वन मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई जिसने तीन गिली गलिनो और ब्रिजेंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फ्लेमनर क्लेमनर एयरबेस में होती है लेलेंड बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की फन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेल मेलमेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर तो हारले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्पर्भ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सिक्रियर ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान ब... वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उले किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर को से रोकने की, की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू पायलट स्कैट ग्रेगरी मेल मैल मैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हारले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह के विमान थे जो विसन की ओर की विफलता का का असली कारण थे उन्हें विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीठ डेड मिड थन और जिम वॉन्स पैफे, पैफे बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मिट से मौत हो गई और वॉन्स आउट को रा, राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को इराकी परमाणु संयंत्र पर हमला होने का खुलासा किया जब वो ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके हैं ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टो तो पर को जब हारलो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनिक अटैक आया और यह वहने नेतृत्व करने में असमर्थ रहे जब इराकी लड़कों ने स्क्वाड्रन पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन असफल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है इराकी सेना को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक मह, एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेन मेल को डेट मेट को सलामी देते हुए मेलमेन मेल को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढालना में एल, एल्टी सिन टोपर हालवे के रूप में चार्ली सीन ने किद्दा निभाया एलटी के, के समू डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वलिया गोलिनो ने किदा निभाया आर डी थॉमस टंग बोनस के रूप में लोयस ब्रिजिस किदा कि निभाया एल एल सी डी ऑस जॉम्स प्रत्याशी बॉलर के रूप में डन ने किरदार निभाया एल टी जिम वोस आउट पैफे पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किरदार निभाया एल टी जी, देट, पीट जी डेट पीट थॉमसन थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किरदार निभाया एल टी जेल एल, एल टी जे जी जेनेट बायो एल, कोवालस्की के रूप में क्रिस्टिस क्रिस्टीन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सीविल के रूप में नजर आए और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के नजर किदान निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉमसन के रूप में हेडी स्वेडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने थंडा ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल्क कोटार्ज को ने कोजार्ट ने किरदार निभाया बिल लाइब एंड लाइम्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जोन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशेनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर और एवर मेंड्री और सैन

परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे बी का औसत दिया और यह फिल्म की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलेंड गेनेट को गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित डब्ल्यू फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और सुंदर देखा गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेल्थ एट पूर्व नाम कराद किया गया था और सैरोन डेनियल वीकेंड वक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के एक सीमा सी, सीजन बॉक्स गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा निर्देशित सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन क्रिस्टी स्वानसन और बिल इरविन शामिल है फिर मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की परौड़ी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हफ हाँ एंड टू वीक् विक, द फेबूसल बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार्लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन क्रोए क्रायर केविंटन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरिक सीरियस ने संगीत यह सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसॉट पार्ट्स पार्ट्स की रिलीज हुई है जिसने तीन गलिनो और ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फ्लिमनर एयरबेस में होती है लेलेंस ले बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेल मैल मेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टॉपर तो हार उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्प्रभ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन इस स्लीपी विजल जिसकी कमान वर्द में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर कोड़ने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू पायलट स्कैट ग्रेगरी मेल मेल के बेटे और अमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हार्ले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून स्रीविल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वे स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह नौ सेना के विमान थे जो की विफलता की का, का आवश्यकता विफ, है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीठ डेड मेट थॉम्पसन और जिम वॉन्स पैफे, पैफे बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मीट से मौत हो गई और बॉन्स वॉश आउट को रा, राइडर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लडाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को रमांडा के प्रति एक मजबूत भावनात्मक लगाव विकसित होता है लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीत से परेशान होती और वह एस 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 पर बेनिस से मिशन इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब ब्लॉक के नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके हैं ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी था और विलसन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने को जब हारलो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनी अटैक आया और यह ने वह नेतृत्व करने में ऐसा मत रहा जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आह्वान करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन असफल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही इराकी सेनानियों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और और बंदरगाह पर वापस आकर गैररी एक महा एक महान पायलट के रूप में टॉपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर्स के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेन को डेट मीट को सलामी देते हुए मेल मेन को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढाना में एल

पैफेफेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदा निभाया एल टी जे जी डेट पीट डेडमीट थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किदा निभाया एल टी जेल एल टी जे जी जेनेट बायो कोर वालसकी के रूप में क्रिस्टिस स्नावन इस्नावसन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सी विल्सन के रूप में निजार और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन ने कितना किरदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉम्सन के रूप में हेडी हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने था ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वैम के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल कोटार्ज ने कोजार्ट ने किदा निभाया बिल लाइब ए लाइमब्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी अलेवा ने किरदार निभाया पोप जोन पोल द्वितीय में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशनर के, के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफी पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर और एवर मेंड्री और सैन डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार्यकर्ता में देखा गया फिल्म में राज्य अमेरिका में नंबर एक पर शुरुआत की और दुनिया भर में एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर तक की कमाई की है ट्वेंटी एट समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई साइट के आम सहिति की लिखा गया अटकी होट्सॉट्स अपने अधिकांश पैरोडी के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सो सो में की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि को गेनित ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित ऑस्कर डब्ल्यू फाइव एट नाइन फोर फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और संदर्भ में देखा गया है कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन देखना टू कर किया गया था और वीकेंड ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो जनवरी दो हजार ग्यारह को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मैजिंदर एक सीमा सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को दो को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिर मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की प्रोडी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड तो टू विक्स विक वेबूसलस दाफ बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतो ने अभिनेत्री चार्ली शीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन ए, क्रायर कैविंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुर्सन और एरिक केसरियस ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ इक्यासी पॉइंट वन मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई जिसने तीन गली गलिनो और ब्रिजिंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था कथरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फिल्म फिलेमनर एयरबेस में होती है लेलेंड बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेल मेलमेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर तो हार्ले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्पर्भ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान ब... वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर को ओढ़ने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू पायलट स्कैट ग्रेगरी मेल मैल मैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हारले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह के विमान थे जो विसन की ओर की विफलता का का असली कारण थे उन्हें विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीठ डेड मेट थॉम्पसन और जिम वॉन्स आउट पैफे पैफेबैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मीट से मौत हो गई और वॉन्स आउट को रा, राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब वो ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके हैं ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी थौर विल्सन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टो पर को जब हारलो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनिट अटैक आया और यह वह नेतृत्व करने में असमर्थ रहा जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बस और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बस ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा पल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है इराकी सेना को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और, और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक मह, एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेलमेन को डेट मेट को सलामी देते हुए मेलमेन मेल को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढालना में एल, एल्टी सीन टोपर हालवे के रूप में चार्ली सीन ने किदा निभाया एल्टी के, के डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वेलिया गोलिनो ने किदा निभाया आर डी एम थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स ब्रिजिस किरदा निभाया एल एल सी डी ऑस जॉम्स प्रत्यक्षी बॉल के रूप में केविन डन ने किदा निभाया एल टी जिम आउट आउटे पैफे पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदार निभाया एल टी डेट जी डेट पीट थॉमसन थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किदार निभाया एल टी जे एल टी जे जी जेनेट बायो कोवालस्की के रूप में क्रिस्टिस क्रिस्टी ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सी विल्सन के रूप में नजर आए और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के नजर किदान निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉमसन के रूप में हेडी हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिनी थंडा ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल्क कोटार्ज को ने कोजार्ड ने किरदार निभाया बिल लाइब एल लाइमब्रीन में अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जॉन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशेनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर और एवर में सैम और सेंट

परिहार परिहास और चार्ली सिंह हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सौ की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित ओस्कर डब्ल्यू फाइव एट नाइन फोर फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और सुंदर में देखा गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेल्व टू एट पूर्व नाम किया गया था और सैरोन डेनियल वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो जनवरी दो 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मेजिंदर एक सीमा सी सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को दो को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा सन उन्नीस सौ इक्यानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की प्रोडी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू विक्स विक वेबूसलस दाफ बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतो ने अभिनेत्री चार लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन ए, क्रायर कैविंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुर्सन और एरिक केसरियस ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ इक्यानवे को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ इक्यासी पॉइंट वन मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई जिसने तीन गिली गलिनो और ब्रिजिंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फिल्म फ्लिमनर एयरबेस में होती है लेलेंड्स -ले बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेन मैलमेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी साखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर हारले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्पर्भ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान ब... वर्द में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टोपर को से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू पायलट स्कैट ग्रेगरी मेल मैल मैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हारले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह सेना के विमान थे जो विसन की ओर की विफलता का का असली कारण है उन्हें विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीठ डेड मेट थन और जिम आउट वॉन्स आउटेफ बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मीट से मौत हो गई और वॉस आउट को राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब और ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके हैं ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी और विल्सन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक नेटो तो पर को जब हार्लो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनिक अटैक आया और यह वह नेतृत्व करने में असमर्थ रहे जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते हैं और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा पल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है इराकी सेना यों हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाध हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और और बंदरगाह पर वापस आकर गैरेगरी एक महा एक महान पायलट के रूम में टोपर की प्रशंसा करती और मांडा को टोपर के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेन को डेट मेट को सलामी देते हुए मेलमेन मेल को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढालना में एल, एल्टी सीन टोपर हालवे के रूप में चार्ली सीन ने किदा निभाया के, के समझो डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वेलिया गोलिनो ने किद्दा निभाया आर डी एम थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स ब्रिजिस किरदार कि निभाया एल एल सी डी ऑस जॉम्स के रूप में केविन डन ने किरदार निभाया एल टी जिम वोस आउट पैफे पे, पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किरदार निभाया एल, कि एल, एल, एल टी जे जी डेट पीट डेडमीट थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किरदार निभाया एल टी जे एल टी जे जी जेनेट बायो कोवालस्की के रूप में क्रिस्टीवन इस्नासन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सी विल्सन के रूप में नजर आए और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के नजर किदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इस इरान स्टाइल्स इस ने किदा निभाया मेरी थॉमसन के रूप में हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने था ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल कोटार्ज को ने कोजार्ड ने किरदार निभाया बिल लाइव एल लाइमब्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जॉन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशिनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर्ड और एवर में सैम मेड्री और सेंट डिओगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक नंबर एक पर शुरुआत की आधार पर रोटेन टमाटोज में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त साइट के आम सहित की लिखा गया अटकी होट्स अपने अधिकांश पैरोडि के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से, से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सौ उन्नीस सौ इक्यानवे की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनिट को गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित डब्ल्यू फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को में देखा गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेल्व एट पूर्व था और सैरोन डेनियल वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मेन्दर एक सीमा सी सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा निर्देशित सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन, क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की परौड़ी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू द द फेबूसल बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार्लेशीन कैरी एल्विस वेलेरिया गोलिनो जोन क्रोए क्रायर कैंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरिक केसरियस ने संगीत ये सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ इक्यानवे को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट तो पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई है जिसने तीन गिली गलिनो और ब्रिजिन ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फिल्म फिलेमनर एयरबेस में होती है लेलेंड ले बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेल मेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर हार ले उस घटना के बारे में आए एक दो दूर। दुष्प्रभ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्ले उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लडाकू पायलट कैट ग्रेगरी मेल मेलमैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हारले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लीपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह नो सेना के विमान थे जो विसन की और विफ, की विफलता का कासली कारण थे उन्हें वि, विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशन नौ में से एक के दौरान पीठ डेड मेट हॉम्सन और जिम वॉन्स आउट पैफेफ पैफे बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मेट से मौत हो गई और वॉन्स वॉन्स आउट को राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लडाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को रमांडा के प्रति एक मजबूत भावनात्मक लगाव विकसित होता है लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीत से परेशान होती और वह वहस पर बेनिस से मिशन का इराकी परमाणु संयंत्र पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब और ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टोपर को नियुक्त किया चुके है ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी थोरविलसन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती और मिशन के बीच में ब्लॉक ने टॉप तो पर को जबर हारलो पर लिख दिया तो जिसे पैनी अटैक आया और यह ने नेतृत्व करने में असमर्थ रहा जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आह्वान करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन असफल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर तो अकेले ही यह इराकी सेनानियों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाद हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक मह, एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेल मेन को डेट मीट को सलामी देते हुए मेल मेन को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढालना में एल, एल्टी सीन टोपर हालवे के रूप में चार्ली सीन ने किदा निभाया एल्टी के, के डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वेलिया गोलिनो ने किद्दा निभाया आर डी एम थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स ब्रिजिस ब्रिजेस निभाया एल एल सी डी ऑस जॉम्स प्रत्याशी के रूप में केविन डन ने किरदार निभाया एल टी जिम वोस आउट पैफे पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किरदार निभाया एल टी जे जी डेट पीट डेडमीट थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किरदार निभाया एल टी जे एल टी जे जी जेनेट बायो को वालसकी के रूप में क्रिस्टिस इस नावन इस नाउसन ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सीविलन के, सी के रूप में नजर आए और एल सी डी आर लेलेंस बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के नजर किदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉम्सन के रूप में हेडी हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने थंडा ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल कोटार्ज को ने कोजार्ड ने किरदार निभाया बिल लाइब एल लाइमब्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जॉन पोल द्वितीय के रूप में चीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर्ड और एवर में सैम मेड्री और सेंट डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक में देखा गया फिल्म ने स्वीकार अमेरिका में नंबर पर शुरुआत की और दुनिया भर में एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर तक की कमाई की गई समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई साइट के आम सहिति की लिखा गया अटकी होट्स अपने अधिकांश पैरोडी के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सौ उन्नीस सौ इक्यानवे की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनिट को गेनिट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित डब्ल्यू फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और संदर्भ में देखा गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेल्व एट पूर्व नाम किया गया था और सैरोन डेनियल वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के अंदर एक सीमा सी, सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा निर्देशित सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के केविन डन, क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की परौड़ी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू वी वीकें दफ द फेबूसल बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन क्रोए क्रायर कैंडन बिल इरविन और छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरिक संगीत कियातीस जुलाई सन उन्नीस सौ इक्यानवे को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ तिरानवे की रिलीज हुई है जिसने तीन गिली गलिनो और ब्रजिंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत बीस साल पहले फिल्म फ्लिमनर एयरबेस में होती है लेलेंड बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन हेम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेन मेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर हार ले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्पर्भ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टोपर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लडाकू पायलट स्कैट ग्रेगरी मेल मेलमैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और की मौत के लिए हारले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर के टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज़ टाइकून श्री विल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह स्लिपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह नो सेना के विमान थे जो विसन की और विफ, की विफलता का, का असली कारण थे उन्हें वि, विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशनों में से एक के दौरान पीठ डेड मेट हॉम्सन और जिम वॉन्स आउट पैफे पैफेबैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मिट से मौत हो गई और वॉन्स वॉन्स आउट को राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लडाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को रमांडा के प्रति एक मजबूत भावनात्मक लगाव विकसित होता है लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीश से परेशान होती और वह एसेस, एसेस पर बेनेस से मिशन का इराकी परमाणु संयंत्र पर हमला होने का खुलासा किया जब और ब्लॉक के मिशन का नेतृत्व करने के लिए टॉपर को नियुक्त किया जो है ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी था विलसन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने तो पर को जब हार्लो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनी अटैक आया और यह ने वह नेतृत्व करने में असमर्थ रहे जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर्न पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बज़ और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बज़ ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा पल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही यह इराकी सेनानियों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाद हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक महा, एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेल मेन को डेट मीट को सलामी देते हुए मेल मेन को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढालना में एल, एल्टी सिन टोपर हालवे के रूप में चार्ली सीन ने किदा निभाया एल्टी के, के समू डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वेलिया गोलिनो ने किद्दा निभाया आर डी एम थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स ब्रिजिस किदा कि निभाया एल एल सी डी ऑस जॉम्स प्रत्यक्षी बॉलों के रूप में केविटन ने किदा निभाया एल टी जिम वोस आउट पैफे पे, पैफे फेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किदा निभाया एल, कि एल, एल, एल टी जे जी डेट पीट डेडमीट थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओलेरी ने किदा निभाया एल टी जेल एल टी जे जी जेनेट बायो कोवालस्की के रूप में क्रिस्टिस इसनावंस इस, इस थाने थाने के ने किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सीविलसन के रूप में नजारे और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के नजर किदा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉमसन के रूप में हेडी हेडीडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने थंडा ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोय के रूप में नजर ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल कोटार्ज को ने कोजार्ड लाए, ने किरदार निभाया बिल लाइब एल लाइमब्रीन में अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जॉन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर्ड और एवर में सैम मेड्री और सेंट डियोगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार्यकर्ता में देखा गया फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर पर शुरुआत की और दुनिया भर में एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर तक की कमाई की ट्वेंटी एट समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटो में फिल्म को बयासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई साइट के आम सहित लिखा गया कि हॉट अपने अधिकांश पैरोडी के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है प्रेरित परिहार परिहास और चार्ली सीन हिन की क्रेक कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत एक शानदार अच्छे समय के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण के दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से, से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया और यह फिल्म की एक सौ उन्नीस सौ इक्यानवे की रॉयल फिल्म प्रदर्शन के लिए चुना गया था टिप्पणियों में देखा गया कि फोलैंड गेनेट गेनेट ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा उड़ान किए गए काल्पनिक वाहन आधारित ओस्कर डब्ल्यू फाइव एट नाइन फोर फालसू टेक्निकल फाइटर बॉम्बर को चित्रित किया गया था और संदर्भ में देखा गया कि हॉलीवुड ऑन लोकेशन तौर देखना टू थाउजेंड टू टू ट्वेल्व टू एट को मुनाफ कर किया गया था और सैरोन डेनियल वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर टू के शीर्षक स्थान शामिल किया गया था जो लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ दो दो जनवरी 2011 को पुनः प्राप्त हुआ था फोकस डेविड जे टर्मिनेटर टू के मेजिंदर एक सीमा सीन सीजन बॉक्स ऑफिस गर्मियों के तीन सप्ताह शेष होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता लेकिन फिर भी यह रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे अच्छी गर्मी साबित हो सकती थी जो लॉस एंजल्स ने एक जनवरी को 2011 को पुनः प्राप्त किया गया था एयरप्लेन के सह लेखक और सह निर्देशक जिम अब्राहम द्वारा निर्देशित सन उन्नीस इक्यानवे की एक अमेरिक कॉमेडी फिल्म है जो अम्राहम और पेट पोस्ट द्वारा लिखित और इसमें चार्ली सीन कैरी एल्वेन के वेलेरिया गोलिनो और लॉयड्स ब्रिजेस जॉन क्रोयर के, केविन डन क्रिस्टी इसवानसन और बिल इरविन शामिल है फिल्म मुख्य फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की परौड़ी है जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं जिनमें नाइन बडे हाफ एंड टू वी वीकें दफ द फेबूसल बेकर बॉयस एंड डांस विद बॉय वर्ल्स और मैराथन मेंस रॉकी सुपरमैन और गोन विद द विंड शामिल है फिल्म का निर्देशन जिम अब्राहम ने किया लेखक जिम अब्राहम पेट प्रो ने की उत्पादित बिल बडालतों ने अभिनेत्री चार लेशीन कैरी एल्वेस वेलेरिया गोलिनो जोन क्रोए क्रायर कैंडन बिल इरविन और लोएस ब्रिजेस छायांकन है बिल बटलर का संपादित किया जेन कुरसन और एरिक ने संगीत सिल्वेस्टर लेवे ने वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख इकतीस जुलाई सन उन्नीस सौ इक्यानवे को रिलीज किया गया कार्यक्रम का समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट छब्बीस मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ इक्यासी पॉइंट वन मिलियन तक की कमाई की अगली कड़ी होटसोट पार्ट्स पार्ट्स ड्यूक्स सन उन्नीस सौ की रिलीज हुई है जिसने तीन गलिनो और ब्रिजेंस ने अपनी भूमिका को दोहराया था खतरनाक फिल्म की शुरुआत 20 साल पहले फिल्म फ्लिमनर एयरबेस में होती है लेलेंड ले बज हार्ले नाम का एक पायलट अपने विमान का नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है जिस जिससे उसका सह पायलट डेमिनी की मेलमेन फनहैम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हालांकि मेल मेन का बचा लेता है लेकिन उसके हेलमेट में चिपकी शाखाओं के कारण उसे गलती से हिरण समझ लिया जाता है और उस पर शिकार द्वारा उसे गोली मार दी जाती है टोपर हार्ले उस घटना के बारे में आए एक दो दू, दुष्पर्भ को जागता है और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे अमेरिकी नौसेना के एक पायलट के रूप में सिक्रियर ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है ताकि एक नए सिर्फ गुप्त मिशन में मदद मिल सके ऑपरेशन स्लीपी विजल जिसकी कमान वरद में संभाली गई थी और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल्स बेनिश हार्वेल तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव करता है खासकर जब उसके पिता एक उल्लेख का उल्लेख किया जाता है उसकी चिकित्सक रमांडा टॉपर को से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मान जाती है कि उससे प्यार करने लगती है और इस बीच टॉपर एक अन्य लडाकू पायलट स्कैट ग्रेगरी मेल मैल मैन के बेटे और रमांडा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो अपने पिता और मौत के लिए हारले हार्लो हारले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टोपर कि टोपर खतरनाक है ब्लॉक निजी तौर पर एक हवाई जहाज टाइकून स्रीविल्सन से मिल शुरू करता है जिसने हाल ही में एक नया सुपर फास्टर बनाया जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा ब्लॉक ने खुलासा किया कि वह सिलीपी विजल को विफल करने के लिए टोपर को वापस लाया था और ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा जब वह नो सेना के विमान थे जो विसन की ओर विफ, की विफलता का, का असली कारण थे उन्हें वि, विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है अंतिम परीक्षण मिशनों में से एक के दौरान पीठ डेड मेट थन और जिम वॉन्स आउट आउटेफ बैंक के बीच एक दुर्घटना में डेड मिट से मौत हो गई और वॉन्स वॉन्स आउट को राइटर ऑपरेशन से पदानवत कर दिया गया और ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नई लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त लेकिन विल्सन ने इसे एक मामूली घटना बन बताते हैं और उनका कहना है कि युद्ध के विमानों का विफल होना जरूरी है रोपर को रमांडा के प्रति एक मजबूत भावनात्मक लगाव विकसित होता है लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीत से परेशान होती और वह एसएस एसएस पर बेनिस से मिशन का परमाणु संयंत्र पर, पर हमला होने का खुलासा किया जब ब्लॉक के मिशन करने के लिए टोपर को नियुक्त किया जो है ग्रेगरी के विरोध के लिए काफी था और विल्सन जो विमान से भी सवार है और चालक दल के सदस्यों को विमानों विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देशन देता है जिससे पायलटों की जान जोखिम में पड़ जाती है और मिशन के बीच में ब्लॉक ने तो पर को जब हारलो पर उल्लेख दिया तो जिसे पैनी अटैक आया और यह ने वह करने में असमर्थ रहे जब इराकी लड़कों ने स्क्वाइडर्न पर हमला किया तो ब्लॉक ने मिशन को रद्द करने का आहन करना शुरू कर दिया और सभी विमानों के हथियार विफल हो जाते और ब्लॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ टोपर को बताता है कि उसने देखा कि वास्तव में बस और मेल मेलमैन के साथ क्या हुआ था बस ने मेलमैन को बचाने के लिए एक संभव प्रयास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा पल होकर विमान से गिर गया इसके उसके प्रयास अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के बाद टॉपर अकेले ही है, इराकी सेनानियों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है सीधे समाद हुसैन के पर बम गिराता है सद्दाम हुसैन पर बम गिराने के बाद जहाज का पर वापस विल्सन की योजना पर पता चल जाता है और सेना के साथ उसकी स्थिति खो जाती है और बंदरगाह पर वापस आकर गैर एक मह, एक महान पायलट के रूप में टोपर की प्रशंसा करती है और रोमांडा को टोपर्स के साथ रहने का आशीर्वाद देती है अंतिम क्रेडिट के डेट मीट और मेल मेल मेन को डेट मीट को सलामी देते हुए मेल मेन को एक एलविक्स प्रेसली के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है ढांगा में एल, एल्टी सीन टोपर हालवे के रूप में चार्ली सीन ने किदा निभाया के समझो डाकू ट्रेगरी के रूप में कैरी एल वेस ने किदा निभाया रमांडा थॉमसन के रूप में वेलिया गोलिनो ने किद्दा निभाया आर डी एम थॉमस टंग बोनस के रूप में लॉयड्स कितने किरदार निभाया एल सीडियो जॉम्स प्रत्यक्षी बॉलों के रूप में केविन ने किरदार निभाया एल टी जिम वोस आउटे पैफे पेन बैग के रूप में जॉन क्रेयर ने किरदार निभाया एल टी जे जी डेट पीट थॉमसन थॉम्पसन के रूप में विलियम्स ओ लेरी ने किरदार निभाया एल टी जेल एल टी जे जी जेनेट बायो वालस्की के रूप में क्रिस्टी स्नावन इस्नासन के किदा निभाया एफरेम जिम्बलिस्ट जूनियर सीविलसन के रूप में नजारे और एल सी डी आर लेलेंड्स बज हार्ले के रूप में बिल इरविन के इन किधा निभाया और एल्टी डेमिनिक मेल हेन फार्म हेम के रूप में इरान स्टाइल्स ने किदा निभाया मेरी थॉम्पसन के रूप में हेडी स्वेडबर्ग ने किदा निभाया ओवे टोना द ओल्ड वन के रूप में रिने थंडा ने किदा निभाया चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में नजर आया डॉन लेक के रोई के रूप में नजर आया ड्रिल सर्जेंट के रूप में साइल्क कोटार्ज को ने कोजार्ड ने किरदा निभाया बिल लाइफ एंड लाइमब्रीन ने अपनी तरह नजर आए और सदनाम हुसैन के रूप में जेरी हलेवा ने किरदार निभाया पोप जॉन पोल द्वितीय के रूप में जीन ग्रेतक ने किरदार निभाया रोशनर के रूप में मार्क आर्नेट ने किरदार निभाया उत्पादन में देखा गया मुख्य फोटोग्राफर पूरे कैलिफोर्निया के हॉलीवुड फोर्ड और एवर में सैम मेड्री और सेंट डियोग जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी आलोचनात्मक स्वीकार्यकर्ता में देखा गया फिल्म में राज्य अमेरिका में नंबर एक पर शुरुआत की और दुनिया भर में एक सौ से